हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो को स्किप कीजिएगा या आगे बढ़िएगा, उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए प्लीज। मेरे नाम से अगर कोई भी आपको कॉल करता है, आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करता है मेरा नाम लेके, मेरे चैनल का नाम लेके या कोई भी अदर यूट्यूबर का नाम लेके, अगर कोई भी आपको कॉल करता है और ये कहता है कि मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा या मैं जॉब दिला दूंगा, ऐसा कोई भी ठगी वाला काम करता है तो किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा जो चैनल है इसको मैं चलाता हूँ, मेरा कोई स्टाफ नहीं है जो कोई चीज़ बनाता हो, पूरा का पूरा जो मैं बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो सब मैं खुद करता हूँ। और जॉब से रिलेटेड मैं कोई भी काम न करता था, न करता हूँ, ना आने वाला टाइम में करूँगा। अगर मैं खुद भी अगर आपको कभी वीडियो बना के भी बोलता हूँ या मिल के भी पर्सनली कहता हूँ कि मैं तुम्हें जॉब दिला दूँगा, इतना दो उतना दो, तो आपको पूरा हक है, आप मेरे मुंह पे कह सकते हैं दीपक साहू चोर है, ठीक। तो कोई भी लड़का मैसेज करता है, कॉल करता है, आपको टेस्ट सीरीज देने की बात करता है, स्टडी मटेरियल बेचने की बात करता है, जॉब दिलाने की बात करता है, तो मेरे तरफ से आप उनको जो चाहे कह सकते हैं खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ सतर्क रहें, ऐसा केसेस आ रहा है, ऐसा देखने में सुनने में आ रहा है कि कुछ लड़का लोग के साथ ऐसा हुआ है कि कोई लड़का फ़ोन करके बोल रहा है कि जॉब दिला देंगे ऐसे वैसे। यार अपना खुद बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, अपना ज्ञान यूज़ कीजिए। आप किसी को भी सब्ज़ी वाले के पास जाके आप जब सब्ज़ी लेते हैं, टमाटर लेते हैं, तो देखते हैं टमाटर ख़राब है कि नहीं। तो आप अगर किसी से जॉब वाला इतना बड़ा अगर आप ऑफ़र देख रहे हैं तो आप जानकारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, आप इन सब चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा नाम अगर कोई ख़राब करता है तो आप हमसे संपर्क करके एक बार ज़रूर मुझे बताइए, आने वाले टाइम में हो सकता है मैं उन लोगों पे लीगल एक्शन भी लूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। रही बात, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन मतलब मेरा जो काम है वो जॉब वगैरह जो है वो तो मेरा अपना खुद का है, लेकिन मैं जॉब दिलाने का किसी को भी काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाता हूँ ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए, और टेस्ट सीरीज सप्लाई करता हूँ। जो चाहिए होता है, जिनको चाहिए होता है, बस मैं उनको देता हूँ टेस्ट सीरीज। इसके बाद बाकी मैं कोई भी काम नहीं करता, जॉब रिलेटेड कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये आपका स्क्रीन पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस व्हाट्सअप नंबर को छोड़ के अगर कोई दूसरे व्हाट्सअप नंबर से भी आप चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज का भी, तो आप मत कीजिए। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है जिसमें मैं सिर्फ क्लासेस के बारे में कराता हूँ, क्लासेस कराता हूँ और क्लासेस के बारे में ही बात करता हूँ, और ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो टेस्ट सीरीज, बस ये दो ही चीज़ मैं करता हूँ, इसके बाद मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। तो आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए, अपना समझदारी से काम लीजिए। चलिए तो बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आगे आपको क्या करना है। अगर कोई अननोन नंबर से आपको मैसेज आया हो, कॉल आया होगा, तो मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसके साथ क्या करना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है वाइंडिंग का सस्पेंशन गियर। सस्पेंशन गियर और हेड गियर के बारे में हल्का आइडिया दे देता हूँ। तो हेड गियर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको हम लोग हेड गियर कहते हैं। ये हेड गियर सबसे ऊपरी भाग होता है, टावर नुमा स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा पोर्शन जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम लोग हेड गियर कहेंगे। इसका अगर मैं दूसरा बात करूँ तो ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से पूरा का पूरा हेड गियर है। हेड गियर बेसिकली तीन टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है ए टाइप, ठीक है, ये आपको देख के लग रहा होगा ए टाइप है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ए टाइप पूरी तरह से कुछ ऐसा होता है, ए टाइप, बीच वाला ये नहीं होता, और यहाँ से पुल्ली लटका हुआ रहता है, तब इसको हम ए टाइप का कहते हैं। ए टाइप का जनरली इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद होता है एक फोर लेग वाला। फोर लेग वाला मतलब यहाँ पे चार लेग होता है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जो फोटो है ये फोर लेग का फोटो है। और एक होता है सिक्स लेग, जो कि रेयरली ही इस्तेमाल होता है। तो हेड गियर तीन प्रकार का होता है। हेड गियर के बेसिक जो इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में आपको हल्का आइडिया दे देता हूँ। एक तो हो गया पुल्ली, जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबसे ऊपर में टॉप में, इसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग पुल्ली, ठीक है। और पुल्ली वाला एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है कि वाइंडिंग पुल्ली से जो रॉप है उसका जो एंगल होगा, बेसिकली जिसको हम लोग फ्लीट एंगल कहते हैं, वो डेढ़ डिग्री से
नॉट लेस देन 1.5 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक पार्ट होता है यहाँ पे, ये जो पूरा पार्ट को आप देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेल बॉक्स। जी हाँ, इसको हम लोग बेल बॉक्स बोलते हैं। इसमें डी अटैचिंग हुक वाला लगा रहता है, CFT हुक यहीं पे आके अलग हो जाता है केज से, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट है, और बाकी इसमें रस्सा रहता है, ये जो है रस्सा है। हेड गियर का ये पार्ट है ऑलमोस्ट, तो हेड गियर आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आता हूँ सस्पेंशन गियर पे। हेड गियर का देखिए यहाँ पे जो किताब का फ़ोटो है LC काकू वाला, वो मैं डाला हुआ है। ये वाइंडिंग रॉप है, वाइंडिंग रॉप पर दोनों रस्सा के बीच में इंटीरियर और एक्सटीरियर दो टाइप के फ्लिट एंगल होते हैं। दोनों टाइप के फ्लिट एंगल 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेल बॉक्स है। बेल बॉक्स में डी अटैचिंग हुक लगा हुआ रहता है। ये गाइड रॉप है। अब बताते हैं गाइड रॉप के बारे में। तो गाइड रॉप बेसिकली क्या होता है, जो केज है, इस केज में चारों कॉर्नर को सपोर्ट करने के लिए रस्सा लगा हुआ रहता है, मोटा रस्सा। 4 या 6 दो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं गाइड रॉप। गाइड रॉप क्या करता है, बड़ा ही स्मूथली ड्राइव करता है पूरा का पूरा केज सिस्टम को। जैसे मान के चलिए कि आप कुआं से पानी खींच रहे हैं, तो जब आप कुआं से पानी खींचते हैं तो बाल्टी कभी इधर हिलता है, कभी इधर हिलता है, तो पानी भी छलक छलक के नीचे गिरते रहता है। आप सोचिए, अगर आदमी इसके अंदर 10 गो रहे और एक बार इधर छल के एक बार इधर छल के, एक आदमी नीचे गिरेगा एक आदमी इधर गिरेगा, तो पता चलेगा सरफेस लाते लाते ख़त्म हो गया, एक भी आदमी नहीं बचा है केज पे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए गाइड रॉप इस्तेमाल किया जाता है। गाइड रॉप क्या करता है, बड़ा ही स्मूथ रखता है जो केज है, केज को पूरा तरह से स्मूथ रखता है, स्मूथ ड्राइव कराता है। जैसे कोई भी मॉल में आप जाते हैं, आप लिफ्ट चढ़ते हैं, तो कभी कभी तो आपको ये भी पता नहीं चलता है कि लिफ्ट वह चल रहा है कि बंद है, है ना। वो इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि उसमें भी गाइड रॉप लगा हुआ रहता है ना। वो भी बड़ा ही स्मूथली ड्राइव करता है, स्मूथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसी तरह से केज में भी होता है, ताकि आदमी को झटका ना लगे, हिले नहीं, अनस्टेबल नहीं, ठीक है। चल, इसके बाद आप आते हैं हम लोग सस्पेंशन गियर के ऊपर। तो ये जो फोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो आपका बुक में दिया हुआ है, और यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने कलेक्ट किया है। इस डायग्राम के ज़रिए आप समझिए इसको पूरा का पूरा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पोर्शन है, इसको आप कहते हैं केज। केज यानी पिंजड़ा। अब यहाँ दो टर्म है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक होता है स्कीप, एक होता है केज। स्कीप और केज दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन पूरी तरह से एक ही चीज़ नहीं है। कैसे, अगर आदमी खाली चढ़ेगा उसमें कोनो सामान उमान नहीं ले जा सकते हैं, खाली आदमी चढ़ा सकते हैं, मेन वाइंडिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे केज। लेकिन जिसमें आदमी भी चढ़ा सकते हैं, सामान भी बांध सकते हैं, कभी SDL गाड़ी मन करेगा बांध के नीचे भेजना तो SDL गाड़ी भेज सकते हैं, कभी मन करेगा कि इस कंटीन्यूअस माइनर या कोई मशीन या कोई सिली ढोना है या टब गाड़ी लादना है, तो सबको हम स्कीप से भेज सकते हैं। तो स्कीप जिसमें मटेरियल भेजा जाता है और आदमी भी भेज सकते हैं, और केज मतलब जिसमें सिर्फ आदमी भेज सकते हैं, उसको केज कहते हैं। तो स्कीप और केज में एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं केज। केज का फ्लोर एरिया आपको पता होना चाहिए, 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, जो मैनेजर साहब डिसाइड करते हैं कि कितना होगा वही होता। बाकी मल्टी डेक में थोड़ा सा अलग होता है, फ्लोर एरिया इतना ही है, बट मल्टी डेक में साइजेस काफ़ी ज़्यादा होता है तो बढ़ा दिया जाता है संख्या। देन यहाँ पे एक होता है चेन, जिसको हम लोग कहते हैं केज चेन। केज चेन और इसके बीच में, केज के बीच में एक ठो बोल्टू लगा रहता है, बोल्ट, ठीक है, बड़ा सा बोल्ट लगा रहेगा दोनों को जोड़ने के लिए। केज और जो चेन है उसको जोड़ने के लिए एक बोल्ट लगा रहता है, नट बोल्ट, उसको बोलते हैं किंग बोल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा किंग बोल्ट। देन यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लेट लगा हुआ रहता है, मैं ट्रायंगुलर प्लेट का फ़ोटो दिखा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ट्रायंगुलर प्लेट है। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट कहिए या डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, जिसमें अगर रस्सा लगा रहे तो पूरा वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के बाद यहाँ पे एक बुल चेन लगा हुआ रहता है, बुल चेन, ठीक। बुल चेन किसको कहते हैं, इसको समझिए। जब लंबाई को बढ़ाने और घटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोई चेन का, तो उसको हम लोग बुल चेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल चला रहे हैं,
आपका साइकिल का चैन ढीला हो गया तो आप क्या कीजिएगा, दुकान में जाकर बोलेगा एक काम करो बाबू, ये साइकिल का जो चैन है ना उसका एक ठो कड़ी जो है ना, एक ठो कड़ी को काट दो, ना तो दो ठो कड़ी काट दो, तीन ठो कड़ी काट दो, थोड़ा टाइट कर दो उसको काट के, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जब हमको ज़्यादा लंबा चेन चाहिए होता है तो ये जो बुल चेन है, इस बुल चेन में हम एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी ऐसा कर करके जोड़ते रहते हैं और उस चेन को लंबा करते हैं। और अगर हमको घटाना रहता है तो उसी में से एक कड़ी दो कड़ी को हम खोल लेते हैं और इस चेन को छोटा कर देते हैं। तो बुल चेन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो साइज है उसको एडजस्ट किया जा सके, बार बार हमको रस्सा को करने में बड़ा दिक्कत है। देन एक होता है डी लिंक। अब डी लिंक क्या चीज़ है भाई साहब, ये देखिए, ये होता है डी लिंक, यहाँ जो फोटो में दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं डी लिंक। अभी डी लिंक क्या चीज़ है इसके बारे में समझिए। तो देखो यार, ये पिग आयरन का बना हुआ रहता है, ठीक है, मोटा सा लोहा रहेगा। पिग आयरन क्या चीज़ है, पिग आयरन और कास्ट आयरन दो टाइप का चीज़ होता है, पिग और कास्ट, है ना। ऐसे तो बहुत सारे डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, माइल्ड स्टील होता है, बहुत सारे स्टील होता है, बट उसमें नहीं, आयरन पे आते हैं। तो पिग और कास्ट होता है, कास्ट होता है प्योर फॉर्म, थोड़ा सा बहुत कार्बन रहता है, और पिग माने जैसे सुअर होता है, गंदगी में पलता है, नाली में लेटता है, क्या क्या खाता है, गंदा गंदा चीज़। तो समझिए कि पिग मतलब जो लोहा है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी मिला दी है, उसमें सल्फर मिला दिए, फास्फोरस मिला दिए, सिलिकॉन मिला दिए, कार्बन मिला दिए, तो ये सब मिला के इसका स्ट्रांगनेस को बढ़ाया जाता है, इम्प्योरिटी डाल के इसको पूरा इम्प्योर कर दिया जाता है, और इसका जो क्षमता है वजन सहने का उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, लोड लेने का कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है, इसी को कहते हैं पिग आयरन। तो बहुत ही मजबूत लोहा होता है, इसको आप चाहिएगा कि हथौड़ी मार के टेढ़ा कर दे तो मुश्किल है, ठीक है, बड़ा बड़ा हथौड़ा मार मार के टेढ़ा करना पड़ेगा तो मुश्किल है। तो इसीलिए डी लिंक का इस्तेमाल किया जाता है सस्पेंशन गियर में, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो इतना वजन संभाल सकता है कि कोनो दिक्कत होने नहीं देगा। ये जो मोटाई आप देख रहे हैं ना, ये जो मोटाई है, ये मोटाई जो रस्सा होता है उससे डेढ़ गुना ज़्यादा होता है, रस्सा का मोटाई जितना होगा उससे डेढ़ गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का रस्सा के लिए अलग अलग टाइप का डी लिंक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी को कहते हैं डी लिंक। आई होप डी लिंक क्लियर हो गया होगा आपका। फिर आता है सेफ्टी हुक, जिसको हम लोग डी अटैचिंग हुक भी कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है, सेफ्टी हुक कहो या डी अटैचिंग हुक कहो, ठीक। अब सेफ्टी हुक क्या चीज़ होता है इसको भी थोड़ा समझ लो। देखो यार, सेफ्टी हुक यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन में, इसी को कहते हैं, ठीक है, ये है आपका सेफ्टी हुक। इसका क्या काम है, तो इसका बेसिकली काम है कि जब बेल प्लेट में टकराता है, बेल बॉक्स जो हम दिखाए ना थोड़ी देर पहले, वहाँ पे डी अटैचिंग प्लेट लगा हुआ रहता है, जब उसमें से क्रॉस करता है रस्सा, तो क्रॉस करता है तो यहाँ पे कॉपर का पिन लगा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक कॉपर का पिन लगा हुआ रहता है ऐसे लंबा करके, है ना। तो जब वो कॉपर का पिन इस डी अटैचिंग प्लेट से पार होता है तो कॉपर का पिन टूट जाता है, पतला होता है, टूट जाता है। जैसे कॉपर का पिन टूटेगा, ये जो कैंची जैसा खुल जाएगा ये, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे कैंची जैसा सेफ्टी हुक खुल जाएगा और डी अटैचिंग प्लेट में टंगा जाएगा, तो डोली वहीं पर टंगा जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो सेफ्टी हुक का क्या काम है, सेफ्टी हुक का काम है जब ओवर वाइंडिंग होता है तो उस कंडीशन में खुल जाता है, डी अटैचिंग प्लेट से टकरा जाता है और ऊपर का जो पूरा रस्सा उस्सा है उससे सिस्टम अलग हो जाता है पूरी तरह से, फिर टंगाया हुआ रहता है, फिर आदमी को हम चाहें तो आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं क्रेन का हेल्प से, ठीक है, कभी डिटेल में बता देंगे इसके बारे में। और चलिए, तो इसके बाद फिर डी लिंक लगा हुआ रहता है, डी लिंक के बारे में आपको बता ही दिए। फिर होता है रॉप कैपल, ये भी एक मज़ेदार चीज़ है, आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो फोटो डाल दिए हैं आपके लिए, ठीक है। रॉप कैपल देखो भाई साहब, यही चीज़ है। अब आप सोचिए, आपको अगर बाल्टी में रस्सी बांधना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली रस्सी को बांधेंगे और बाल्टी को फेंक देंगे, ठीक है। ये तो नारियल का रस्सी था भाई साहब, ये सह लिया, आप बांधे तो फोल्ड हो गया, लेकिन लोहा वाला जो रस्सी होता है ना बहुत ज़्यादा छलकता है, बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, तो बड़ा समस्या है। आप अगर मान लीजिए कि अगर आप रस्सा को डायरेक्टली टब से जोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। अगर रॉप केबल आप नहीं लगाएं, डायरेक्टली जोड़ दिए हैं, कोई दूसरा साधन नहीं लगाएं, डायरेक्ट ऐसे बांध दिए गांठ जैसे बांधते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। ये रस्सा है ना कभी भी खुल जाएगा, और अगर ये रस्सा खुल गया तो डोली नीचे चला जाएगा, रस्सा ऊपर चला जाएगा, तो ये दिक्कत वाला बात है, ठीक है। और भी बहुत सारा दिक्कत होता है, इसी के लिए रॉप केबल लगाया जाता है। रॉप केबल क्या चीज़ है, जो रस्सा है, इस रस्सा को इसमें घुसा के फंसाया जाता है, और यहाँ पे देखिएगा बड़ा बड़ा नट है, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो। अब एगो नटवा टाइट करेगा, फिर दूसरे का नटवा टाइट करेगा, है ना, इसको टाइट करेगा, फिर इसको टाइट करेगा, इसको टाइट करेगा, इसको टाइट करेगा, ऐसे कर करके रस्सा से बांध दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा। अब इसको पकड़ के कितनों खींचिए, कितनों वजन डालिए, रस्सा खुलने वाला नहीं है,
ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट रस्सा बांधते तो रस्सा खुल जाता, तो इसी के लिए रॉप केबल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रॉप केबल का इस्तेमाल इसीलिए हम लोग करते हैं, अगर डायरेक्ट बांधेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, खुल जाएगा, इसीलिए रॉप केबल लगाते हैं। ये चीज़ है रॉप केबल, देखिए फोटो में दिख रहा यही है रॉप केबल। तो इसके बाद फिर आपका रस्सा रहता, वाइंडिंग का रस्सा रहता है। तो पूरा का पूरा सस्पेंशन गियर यही वाला है। सस्पेंशन गियर का एक एक पार्ट के बारे में बता दिए आपको और आपको समझा भी दिए कि एक एक पार्ट का क्या काम है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों का प्यार के वजह से, आप लोगों का भरोसा के वजह से मेरा 25,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाला है, तो थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि 24.7 पे लटका हुआ है, अगर इसको आप 25 कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ऐसे आपका प्यार तो हमेशा से बना हुआ है, बट अगर जल्दी हो जाए तो चलो ठीक है, बट नहीं तो कोई बात नहीं, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ है। चलिए ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, काम का होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ग्रेडियंट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, ग्रेडियंट वाला काफ़ी कमेंट आ रहा है, तो इरिटेट मत होना यार, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, अभी एग्जाम हो नहीं रहा आपका, टेंशन मत लीजिए, उससे पहले सारा टॉपिक धीरे धीरे क्लियर कर देंगे, डोंट वरी, है ना। तो पेशेंस रखिए थोड़ा, आप भरोसा रखिए हम पे, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।